सब्सक्राइब कीजिए स्टडी जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने। हेलो दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। ये भाग टू है। अगर आप भाग वन नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे वीडियो में जाके भाग वन देख सकते हैं। तो ये भाग टू है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इसमें 20 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी और आपको बिहार दरोगा के लिए या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार के किस स्थान पे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए ऑप्शन आपका ये है, चिरौंद, लिच्छवी, राजगृह, बोधगया। तो आपका ये होगा इसमें बोधगया। सभी लोग जानते होंगे ये कॉमन सा इसमें ये क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते थे। देखिए अब से दोबारा इसको देखते हैं। बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते थे। कौन कौन से ऐसे जगह थे जिनको बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख स्तंभ कहा जाता था? अंग और वैशाली, मगध, मिथिला, उपरोक्त सभी। इसमें देखिए सभी जो हैं उपरोक्त सभी को संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। इसमें सभी आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था, वहाँ पे कौन कौन से भाषाएं बोले जाते थे, जिसमें कौन प्रमुख भाषा था? देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं, संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। आपके इसमें होंगे पाली। वहाँ संस्कृत और हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी। देखिए इसमें पाली होगा। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध कुलपति थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें कौन से सबसे प्रसिद्ध जो कुलपति थे वो कौन थे? ज्ञानचंद्र, प्रभा मित्र, नगार्जुन, सिलवद्र। इसमें देखिए इसमें होगा सिलवद्र। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? महायान जो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख शाखा थी वो देखिए इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम। इसमें आपका होगा बौद्ध, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध की ही शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध होगा वहाँ। यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था, नालंदा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आपका ये बिहार में स्थित है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री इतिशोंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? छठी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, सातवीं और आठवीं। ये आपका छठी शताब्दी होगा इसमें। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, किससे अधिक जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज की विवरण से, फहियान और वेनसंग के विवरण से, चंद्रपॉल के विवरण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपको फहियान और वेनसंग के विवरण से मिलती है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में,
1915 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो आपका ये आंसर इसमें हो जाएगा 1915, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ये 10वां का देखिए, इसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था सदागत आश्रम। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस वर्ष राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? 2003, 2005, 2007, 2001। ये 2001 होगा, 2001 में किया गया था। अब आपका 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया? दानापुर एवं पटना स्टेशन, गया बक्सर आरा स्टेशन, सोनपुर नवादा नालंदा स्टेशन। इसमें उपरोक्त सभी को शामिल किया गया था आदर्श स्टेशन में। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें आपका बिहार होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर और पटना। इसमें आपका मुजफ्फरपुर होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां के बारे में सही कथन है, बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, शहनाई वादक में सर्वश्रेष्ठतम, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठतम थे। इसमें सभी होगा, इसमें सभी आंसर होगा। अब देखते हैं आपको 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? पटना से, बोधगया से, बक्सर से एवं चिरौंद से, भागलपुर, दरभंगा से। इसमें आपका बक्सर और चिरौंद होना चाहिए, ये होगा आंसर, बक्सर और चिरौंद से प्राप्त हुए थे काले मृदभांड बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में कहाँ से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए थे? ये दोनों की बात कर दी, काले और लाल की भी। ये कहाँ से? चिरौंद एवं अंतिचक से, राजगीर से, सोनपुर से। इसमें से सभी, ये आपका इसमें से सभी हर जगह से प्राप्त, चिरौंद से भी प्राप्त हुआ था, राजगीर से भी, सोनपुर से भी, अंतिचक से भी। तो इसमें सभी होगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री केसी शाह, जयराम दास, दौलतराम, अशोक चौधरी, श्री अंजनी कुमार सिंह। इसमें होगा जयराम दास दौलतराम, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें। 19 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसमें बिहार में स्थित है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी हुई है? देखिए इसमें 1980 दिया है मधेपुरा, 1970 पूसा समस्तीपुर, 1965 बोधगया, 1975 दरभंगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा 1970 में हुआ था, ये पूसा समस्तीपुर में है, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। आंसर होगा 1970 पूसा समस्तीपुर। तो दोस्तों यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लोगों के पास शेयर कर लें। देखिए दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह के वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो आपके पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं और आप लोग
देख करके अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।